आपको ध्यान रखना होता है लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन करते हैं आपको समय ध्यान रखना जो पासवर्ड आपका है आप अपनी ईमेल आईडी डाल के आपको लॉगिन करना, ये रोज का काम रहेगा आपका। ठीक है, ये हमने ईमेल आईडी डाल के लॉगिन किया और ये देखिए वेरीफाई कर रहा, वेरीफाई देखिए हमें अपनी ईमेल आईडी भी खोल के रखना पड़ेगा, तो मैं अपनी ईमेल आईडी ओपन करके वेरीफाई भी कर रहा हूँ। मैंने गेट जो है वो वेरीफाई करता है कि आप ही हो कि नहीं, और आपकी ईमेल आईडी से वेरीफाई होता है, इसलिए ईमेल आईडी आपकी बकायदा ओपन करके रखें, और ईमेल आईडी का अगर पासवर्ड लॉस्ट हो गया तो उसको ओपन कर लीजिए वापस। ये देखिए मैं अपनी ईमेल आईडी को ओपन कर रहा हूँ, ये देखिए वेरिफिकेशन आया है, वो डिवाइस वेरीफाई करता है। ठीक है, यहाँ क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन आया। ठीक है, ये वेरिफिकेशन पूरी ध्यान रखिएगा, इसका सिक्योरिटी एलिमेंट है, अगर किसी ने अगर मान लो मैंने पासवर्ड ले भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं, वेरिफिकेशन तो मेरे पास ही आएगा ना, मेरी ईमेल आईडी में अगर मैं जब तक दूंगा नहीं तो आप किसी के भी किट में जा नहीं सकते। तो ये वेरिफिकेशन को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद देखिए मैं सीधा गिट में इसको पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, आप टाइप कर ले ज्यादा अच्छा होता है। और ये देखिए ये मेरा गिटर अकाउंट खुल चुका है। ठीक है, अब ये जो गिटअप अकाउंट मेरा खुल रहा है, इस गिटअप अकाउंट में हम लोग को आप अपनी फाइलों को ऐड करना, मैंने देखिए यहाँ पे चार फाइलें ऐड की हुई है। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि न्यू के बाद आपको क्या करना है, अपनी फाइलों को ऐड करें, जो भी आपकी प्रोजेक्ट फाइल है आप न्यू से इसमें जोड़ेंगे, पर कौन सी फाइल आपको जोड़ना है यहाँ पे, जो एक ग्रुप के द्वारा तैयार की जाती है, जैसे डिजाइनिंग कर रहे हैं चार लोग मिलके, तो आपने गिट बना, आपने से कोई भी एजेंट गिट बनाएगा अपना अकाउंट, फाइल जोड़ा और उसको फिर लिंक हम शेयर कर देंगे, तो सारे ग्रुप मिलकर उसको काम करते रहेंगे। तो कैसे काम करेंगे, न्यू में जाइएगा, न्यू में जाने के बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पे थोड़ा टाइम अभी लग रहा है, आ जाएगा। तो न्यू में जब आप जाएंगे यहाँ पे, तो न्यू में जाने के बाद आपको रिपोजिटरी नया वाला बनाना है, ध्यान रखना थोड़ा सा टाइम अभी ले रहा है। और ये देखिए यहाँ से भी ध्यान दीजिएगा, ये है आपकी रिपोजिटरी का नाम जो आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, ये जो नाम आप यहाँ पे देंगे, ध्यान रखना ये नाम आपके पूरे ग्रुप में शेयर होने वाला है, इसलिए ध्यान रखना सब मिलकर एक कोई नाम तय कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने रिपोजिटरी का नाम जो दे रहे हैं, जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट मान लीजिए हम बना रहे हैं इस समय JSB कॉलेज का नाम, हमने JSB कॉलेज नाम से प्रोजेक्ट बना रहे हैं गेट में। ठीक है, ये डिपॉजिटरी का नाम दे रहे हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना जो भी आप नाम देंगे पहले अवेलेबिलिटी वो चेक करेगा, अगर वो नाम अवेलेबल है तो बता देगा अवेलेबल, नहीं तो नाम को डिनाई भी कर सकता है, तो डिनाई करने पर नया नाम दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद इसको हमेशा पब्लिक बनाए रखें, पब्लिक इसलिए क्योंकि हमें अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ काम करना, प्राइवेट बनाए तो फिर किसी को दिखने वाला नहीं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कर देंगे क्रिएट रिपॉजिटरी। ठीक है, क्रिएट रिपॉजिटरी कर देंगे तो ये आपका गिट अकाउंट क्या हो जाएगा, बनके आपका तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा JSB कॉलेज नाम का गिट बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो गिट हमारा फाइल तैयार हुआ है, इस पर्टिकुलर गिट फाइल में ये हमें जो दिख रहा है, ये जो हमें दिख रहा है, ये हमें क्या करना है, अपने प्रोग्रामर्स के साथ टारगेट करना है। तो प्रोग्रामर किस वाले एलिमेंट से काम करेगा, जो आपके साथी प्रोग्रामर्स होंगे ना, ये इस वाले जो लिंक आपको जो हाईलाइट किया मैंने उसको उठाकर व्हाट्सएप में डाल देंगे उसको, तो वहाँ से वो क्या कर लेगा, सीधे गेट में आ जाएगा। कोई देखो इसको कंट्रोल सी करके निकाला, और कंट्रोल सी निकाल के मैंने जैसे व्हाट्सएप में डाल दिया, ये व्हाट्सएप खुला, या कोई भी माध्यम से आप डाल सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप में मैंने डाल दिया, और ये मैंने अपने को अभी फिलहाल डाल दे रहा हूँ, फिर मैं आपको गिट्स में तीन चार फाइलें मिली है तो मैं आपको अभी पहुँचा भी दूँगा, ये मैंने अपने को ही डाल दिया, आप किसी को भी डाल सकते हैं। देखा देखना ये गिट का, अब सामने वाला क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद उसको जो गिट है उसके कंप्यूटर में ओपन होगा आपकी वाली फाइल, और वहाँ से वो क्या कर सकता है, आगे कार्यक्रम कर सकता है। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पे एक रिपॉजिटरी को बना लिया, पर अभी ध्यान रखना ये रिपॉजिटरी खाली है, तो अब हमें इसमें क्या करना, फाइलों को जोड़ना भी है। तो देखिए ये सामने वाले भी कंप्यूटर में खुलेगा, सामने वाला क्लिक करेगा तो उसको देखिए ऐसे ही सही वाला पेज ओपन होकर दिख जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने क्या किया, रिपॉजिटरी बनाई, पर अभी इसको हमने खाली रखा, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट डालेंगे, प्रोजेक्ट्स को डालेंगे, बंद कर देंगे।